हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अभी हम ईडीसी में सबसे बेसिक से पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे आप ईडीसी को लेंगे, जैसा मैंने इंट्रो में बताया था कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और जो इसके न्यूमेरिकल आते हैं दे बेस्ड ऑन थियरी। तो आपको थियरी की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आधे 10 लाइन का क्वेश्चन होता है तो उसमें थियरेटिकल चीज़ें बहुत होती हैं, उसको अगर आप रिलेट नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन ही नहीं समझोगे। जैसे बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है कि न्यूमेरिकल पार्ट, थियरी पार्ट का अप्लीकेशन तो होता है, वहाँ भी थियरी की क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी न्यूमेरिकल उतने ईजिली सॉल्व होंगे, बट वहाँ आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके चीज़ों को सीख जाते हो। बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, थियरी पार्ट है, उस पर स्ट्रांग होल्ड होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो कई बार आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। तो मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप जैसे मैं शुरू में थर्मल वोल्टेज के बारे में डिस्कस करूंगा, एनर्जी गैप के बारे में, मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटे छोटे टर्म्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए और इसका जब एप्लीकेशन मैं बाकी कॉन्सेप्ट में करूंगा तो उस चीज़ों को रिलेट करूंगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसको आपको और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। थियरी पोर्शन होता है तो कई बार आप बोर होते हो, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल। तो इसको बहुत ध्यान से, हर लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा। अभी आप तक में आपने पढ़ा होगा लेकिन उन चीज़ों को कितने क्लैरिटी, कितना सिंप्लीफाई करना है मैं वहां यहां पे आपको करके दिखाऊंगा। बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, बाकी चीजें, फर्मी लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आपका मॉसफेट कैपेसिटर, आप मॉस कैपेसिटर पढ़ते हो वहां पे कैसे एनर्जी लेवल ड्रॉ किया जाता है, वो सब भी चीजें मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो चीजों को रिलेट करोगे तो बहुत सारी चीजें ईजी होने लगेंगी। डिफ्यूजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, डायोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसके न्यूमेरिकल पॉइंट पोर्शन को भी टच करूंगा। तो आप दोनों चीजें जब रिलेट करोगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको पढ़ने में, है ना। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। आपने पढ़ा होगा, इसमें एक दो चीजें मैं और बताऊंगा। तो आपको चीजें कैसे रिलेट करनी है जो मैं करता हूं, मैं आपको करके यहां पे दिखा रहा हूं, उन चीजों को दिमाग में रखोगे तो बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई होने वाली है आपकी, है ना। दैट इज कॉल्ड एज VT, थर्मल वोल्टेज और वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, जो को कहते हैं थर्मल वोल्टेज भी कहते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखो, K इज ए कॉन्स्टेंट। K क्या होता है, 1.38 × 10⁻²⁰, ये क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ये इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर डिग्री केल्विन या जूल पर केल्विन। और क्यू तो आपका 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है ही, स्टैंडर्ड कांस्टेंट या आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट। दे आर बोथ आर यूनिवर्सल कांस्टेंट। अभी कुछ मटेरियल कांस्टेंट भी आएंगे तो उनमें दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। चीजों को आप क्लैरिटी के साथ पढ़िए, बहुत मजा आता है फिर चीजों को पढ़ने में। तो यहां पे ध्यान से देखो, जो थर्मल वोल्टेज है या वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का वोल्टेज इक्विवेलेंट, देखो के और क्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर टी एंड विच शुड बी इन केल्विन। ये टेम्परेचर टी को किस में लेना पड़ेगा, इट मस्ट बी इन केल्विन, देन यू विल गेट वोल्ट में आपकी यूनिट आ जाएगी कितनी, KT अपान क्यू की। के की वैल्यू रख दो, क्यू की वैल्यू और टी की। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, के इज ए यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, क्यू इज ए यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, तो VT comes out to be दिस T/1160। तो अगर आप टी की वैल्यू रखते जाओ, वीटी की वैल्यू आपको मिलती जाएगी अलग अलग टेम्परेचर पे। तो ये डायरेक्टली अगर ध्यान से देखो, VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/1। तो कोई भी चीज अगर किसी के साथ वेरी करती है, जैसे मैं कहूं वाई इज वेरिंग विद एक्स एंड दैट वेरिएशन इज वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वेर अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, 1/11600। तो अगर कोई चीज किसी के साथ T/1 या X/1 के टर्म में वेरी कर रही है, दैट वेरिएशन इज ऑलवेज कॉल्ड एज लीनियर वेरिएशन। मतलब VT T के साथ लीनियर वेरिएशन में है, मतलब T बढ़ाओगे तो VT लीनियरली बढ़ेगा, T घटाओगे तो VT लीनियरली घटेगा कि नहीं। T बढ़ाओ तो ये बढ़ेगा तो ये जो रेशियो है ये भी बढ़ेगा, T घटाओगे तो ये भी घटेगा। तो VT बढ़ाने पे बढ़ेगा, T घटाने पे घटेगा, एंड दैट वेरिएशन विल बी डेफिनेटली लीनियर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन T/1। और इसके अलावा जितने वेरिएशन है टी किसी के, किसी भी वेरिएबल का, किसी और किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में जितने वेरिएशन बाकी होंगे X/1 के अलावा वाले सारे नॉन लीनियर होते हैं। जैसे मैं कहूं Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट X, तो
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, अंडर रूट एक्स, एक्स बढ़ाओगे तो यहां भी बढ़ेगा क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू एक्स बढ़ाने पे बढ़ेगी, अंडर रूट की वैल्यू एक्स घटाने पे घटेगी, लेकिन दैट वेरिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी नॉन लीनियर बिकॉज अंडर रूट एक्स इज नॉन लीनियर फंक्शन, या मैं कहूं वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स बढ़ाओगे वाई घटेगा, एक्स घटाओगे वाई घटेगा, एक्स घटाओगे वाई बढ़ेगा, एंड दैट वेरिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज नॉन लीनियर। तो एक्स की पावर यहां क्या है, माइनस वन है, यहां एक्स की पावर वन बाई टू है। जब वाई एक्स की पावर वन के साथ वेरी करे या यहां वी टी टी के साथ वेरी करे टी की पावर वन, दैट वेरिएशन विल बी लीनियर एंड अदरवाइज ऑल द वेरिएशन विल बी नॉन लीनियर। कई बार आपको क्वेश्चन में थियरी के फॉर्म में जब चार ऑप्शन होते हैं कि वी टी वेरीज विद टी नॉन लीनियरली, वी टी वेरीज विद टी लीनियरली, तो ये वर्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, उसमें थॉट्स में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। डिक्रीज इंक्रीज तो आप निकाल सकते हो रिलेशन से, ठीक है। अब यहीं पे अगर टी की वैल्यू स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर में रख दूं क्या 300 केल्विन, तो आपका वी टी आता है 0.0259 वोल्ट, और इसी को मिली वोल्ट में बदलोगे, मिली वोल्ट इज अ स्मॉलर यूनिट, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, 1 वोल्ट इज 1000 मिली वोल्ट, तो यहां आएगा 25.9 मिली वोल्ट, या आपने देखा होगा कई बार 26 मिली वोल्ट आप रखते हो, कि स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू 26 मिली वोल्ट या 25.9 मिली वोल्ट, क्योंकि रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, दैट इज 300 केल्विन। तो अगर स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर किसी क्वेश्चन में लिखा हो, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू केल्विन में 300 केल्विन, एंड दैट मीन्स VT is 25.9 millivolt, approximately 26 millivolt. अब एक चीज मैं और आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखो, Q into V की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। Q अगर V पोटेंशियल पे रखा हो तो उसमें कितनी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी Q into V। अगर Q को मैं कुलाम में ले लूं 1.6 × 10⁻¹⁹ और V को वोल्ट में ले लूं, दैट QV की यूनिट क्या होगी, जूल। इसीलिए यहां पे ध्यान से आप अगर देखो Q into VT is equal to KT है, तो Q into VT की यूनिट भी क्या होगी, जूल, और K into T, KT की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। तो K into T क्या है, एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार KT के टर्म में आप देखते हो बहुत सारे फार्मूले, जैसे आप पढ़ोगे जब आपका डायोड इक्वेशन, तो I not e to the power QV not upon KT इस टाइप का आता है, QVD upon KT, तो वहां देखेंगे V not क्या है, VD क्या है, वो सब जब डायोड का डिस्कशन करेंगे। तो KT is nothing but एनर्जी, एनर्जी की यूनिट है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं, आपका ध्यान से देखो, दो कुलाम, अगर 2Q है आपके पास, 2Q या दो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, और ये 2 वोल्ट पे रखे हैं, तो अगर आप कहोगे टोटल एनर्जी इसमें कितनी है, तो दो इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू 2 वोल्ट करोगे, टोटल यूनिट एनर्जी आ जाएगी 14 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी। अब आप जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हो, वो वोल्टेज में, वोल्टेज जो होते हैं वो वेरी स्मॉल वोल्टेज होते हैं, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट, आप देखते हो सप्लाई वोल्टेज 15 वोल्ट या 5 वोल्ट या 10 वोल्ट, दे आर वेरी स्मॉल वोल्टेज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल पीपल, दे आर यूजिंग मेगा वोल्ट्स, है ना, 11,000 वोल्ट, इस तरह की वोल्टेज यूज करते हैं, यहां पे बहुत स्मॉल वोल्टेज। तो जब एनर्जी निकालोगे किसी इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे एनर्जी बहुत ही स्मॉल यूनिट में आती है, अगर जूल में निकालोगे 10⁻¹⁹, वेरी वेरी स्मॉल है एनर्जी इन जूल। तो अब इसको, ये पावर बार बार माइनस में आएगी और बहुत आपकी स्मॉल एनर्जी आ रही है, तो इसको डील करने के लिए हमने क्या डेवलप किया, एक और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखो कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1 × 10⁻¹⁹ और 1 वोल्ट 1 वोल्ट है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल हो गया क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी क्या है, एनर्जी का एक रिप्रेजेंटेशन है, एक क्या है, इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन अगर 1 वोल्ट पे रखा हो तो उसमें जितनी एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में बदलोगे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, इतना 1 वोल्ट आ गया आपका जूल, क्यू और वी स्टैंडर्ड यूनिट रख दी तो जूल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये स्मॉलर यूनिट है क्योंकि मैग्नीट्यूड यहां ज्यादा है 1, ये हायर यूनिट है या बड़ी यूनिट है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम, बहुत ही कम, 10⁻¹⁹ ऑर्डर की, यहां पे तो 10⁻⁰ ऑर्डर की बहुत ही ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कहते हैं। अब इसको कैसे रिलेट करोगे, मैं रिलेट करना सिखाता हूं जो आपको बहुत काम आएगा। जैसे यहां मैंने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट पे रखे हूं,
तो अब अगर आप जूल में निकालोगे जूल को इलेक्ट्रॉन, आप देखोगे क्वेश्चन में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगी, तो अब दो इलेक्ट्रॉन अगर दो वोल्ट में हो तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, या तो पहले जूल में बदलो, फिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल है या इतने जूल में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस टोटल को इतने 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इतने जूल में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने जूल में कितने डिवाइड करने से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमको करने की जरूरत नहीं, दो इलेक्ट्रॉन अगर दो वोल्ट पे रखे हैं तो सीधे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मत लिखो, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज होता है, उसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही रहने दो, 2 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन और वोल्ट अगर एक साथ कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, मैग्नीट्यूड कहां से आ जाएगा, 2 × 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहां पे भी अगर ध्यान से देखोगे जब डिवाइड करेंगे यहां से, तो यही जूल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ से क्या कर देते हैं, डिवाइड जूल को, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है, ज्यादा बड़ी मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा क्योंकि यूनिट छोटी हो गई। तो हमेशा आपको अगर दिया हो कि जैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो और आपको पता है 5 वोल्ट है, तो कुछ नहीं करना है, एक आपको इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने, एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिख लो, 10 और 5 वोल्टेज, 10 × 5 कितना आ गया, 50, ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के बराबर है, कुछ करना नहीं है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वोल्टेज कितना है, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन लिख दो, वोल्ट को वोल्ट लिख दो, ईवी है ना। और किसको एक इलेक्ट्रॉन मान सकते हो, जब भी 1.6 × 10⁻¹⁹ का चार्ज हो, ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन मान सकते हो। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक वोल्ट यहां, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी मैग्नीट्यूड आगे एडजस्ट हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट में हो तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। अब यहां ध्यान से देखो, अगर आपको कभी वीटी गिवन हो, जैसे कि वीटी गिवन हो 0.0259 वोल्ट, मैं यहां क्यों समझा रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने, वोल्ट कितना है, इलेक्ट्रॉन के नंबर और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, वोल्टेज लेकिन किस में होना चाहिए, हमेशा वोल्ट में होना चाहिए, मिली वोल्ट में नहीं, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज वोल्टेज इन वोल्ट है, ठीक है। तो उसको मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, ई और वी को रख दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा सीधे। या अब देखो यहां पर क्या होगा, KT = Q × VT लिख सकता हूं। अगर क्यू को मैं ध्यान से देखूं, क्यू 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रखता है कि नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वीटी की वैल्यू कितनी है, 0.0259 वोल्ट। किसी अगर टेम्परेचर पे V2 गिवन हो, जैसे मैं ये निकाल रहा हूं KT की वैल्यू एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि VT जिस टेम्परेचर पे होगा उसी टेम्परेचर पे KT निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो VT 1 इलेक्ट्रॉन एंड इतना, तो ये 1 और इसको साथ ले लो और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो, तो ये कितने के बराबर हो गया, 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मतलब क्या हुआ, VT की वैल्यू पता हो उसके आगे E लगा दो, अगर VT की वैल्यू वोल्ट में पता है तो KT की वैल्यू उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। मैं कहूँ VT की वैल्यू आपका सीधे 0.25 वोल्ट अगर आपने निकाला, तो KT की वैल्यू उसी टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे VT निकाला, क्योंकि KT की वैल्यू किस टेम्परेचर पे निकालनी है, उसी टेम्परेचर पे जिससे VT आपने निकाला, क्योंकि VT = KT/Q, तो उसी टेम्परेचर पे निकालना पड़ेगा KT की वैल्यू, उसी टेम्परेचर पे KT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं, 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो VT की वैल्यू अगर वोल्ट में पता हो तो उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है KT की वैल्यू उसी टेम्परेचर पे सीधे सीधे, क्योंकि KT = Q × VT, VT की वैल्यू वोल्ट में, Q एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन लिख लो, मैंने कहा था चार्ज को इलेक्ट्रॉन के नंबर में लिख लो, वोल्ट वोल्ट में लिख लो, नंबर और वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतनी एनर्जी हो जाएगी E × V, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीधे सीधे। तो KT की वैल्यू कई बार आपको जरूरत पड़ेगी, आपको VT कई बार KT मेंशन होगा, KT अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं कहूं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो VT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 वोल्ट, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन को हटा दो KT से, तो VT की वैल्यू VT में, अगर VT वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हो जाएगी KT की वैल्यू। सिंपली KT की वैल्यू निकालना हो और VT की वैल्यू, तो आप रिलेट कर सकते हो और ये आपके काम आ सकता है, कई बार क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो डायरेक्ट आप ये सब अगर लगाने लगोगे, जूल में कन्वर्ट किया, ये सब करने की जरूरत नहीं, उस चीज को रिलेट करो, चीजें आपको क्या होंगी, ईजी होती जाएंगी। तो VT पता है वोल्ट में, वोल्ट में होना चाहिए, ई लगा दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा क्या, KT, ठीक है। और अगर KT पता है तो उसमें ई हटा दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर पता है तो जितना वोल्ट बचा, जितना इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद उतना ही वोल्ट, अगर 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 0.25 वोल्ट किसकी वैल्यू हो गई, VT की, सिंपली। अब जो अगला इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स ही बेस्ड है, क्या एनर्जी गैप इजी,
इजी। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये क्लियर होने आपके बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज एनर्जी गैप, इजी, तो ये मैं मेटल के लिए भी बात करूंगा, आपके सेमीकंडक्टर के लिए भी बात करूंगा। तो सेमीकंडक्टर पूरा इसी पे बेस्ड ही है। अब अगर ध्यान से देखो ईसी और ईबी, मैं एक जनरल सा मटेरियल ले लिया, उसमें आपका ये क्या मैंने बना दिया कंडक्शन बैंड, ये क्या बना दिया मैंने वैलेंस बैंड, ठीक है। तो इसी को समझते हैं, एनर्जी गैप होता क्या है, एनर्जी गैप का सिग्निफिकेंस क्या है और उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है घटता है, ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस आएगा जब फर्मी लेवल और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, आपके कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे तब इसका रूल आएगा। तो ये चीज क्लियर होनी बहुत ही अच्छे से बहुत जरूरी है, ठीक है। ईसी क्या है, बहुत लोग ईसी को कंडक्शन बैंड कह देते हैं, ईसी कंडक्शन बैंड नहीं है, ईसी इज द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। इसके ऊपर जितने एनर्जी लेवल्स हैं दे ऑल आर इन कंडक्शन बैंड, जितने एनर्जी लेवल पॉसिबल हैं इसके ऊपर दे ऑल आर इन कंडक्शन बैंड कहते हैं। ईवी इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड और इसके जितने नीचे जितने एनर्जी लेवल पॉसिबल हैं दे आर ऑल इन वैलेंस बैंड। तो बीच में क्या हुआ, इसी को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसी को कहते हैं क्या फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब क्या है इसका, मतलब ध्यान से सुनो एक बात, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको किसी एनर्जी स्टेट की जरूरत होती है जहां वो रह सके, वो अगर एनर्जी स्टेट अवेलेबल है तभी वो जाके वहां पे रह सकता है, उसको एक एनर्जी स्टेट की जरूरत होती है जहां वो रह सके, ठीक है। अब यहां पर अगर ध्यान से देखो इस मटीरियल में, इस वैलेंस बैंड ईवी, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड ईवी या इसके नीचे एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं, एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं, बेसिकली अगर मैं कहूं इसके नीचे जो एनर्जीज पॉसिबल हैं उसमें एनर्जी स्टेट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है। इसी तरह कंडक्शन बैंड ईसी, कंडक्शन बैंड जो ईसी से शुरू होता है लोएस्ट एनर्जी लेवल ईसी, इसके ऊपर भी एनर्जी स्टेट्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन जाके क्या कर सकता है, स्टे कर सकता है। इनिशियली तो वो क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड में होते हैं। तो ईवी क्या रिप्रेजेंट करता है, जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी आपका मटेरियल, सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, जब उसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे बैंड स्ट्रक्चर तो उसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग करते हो ना, पहले ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए फिलिंग करते जाते हो अलग अलग सेल्स में, तो आपका जो आउटर मोस्ट है इलेक्ट्रॉन वही क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और उसी की एनर्जी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ईवी। ईवी किसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट मटेरियल, जब वो एकदम बॉन्डिंग में है, सब कुछ बॉन्डिंग में, वो ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता है ना हमेशा। और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ईसी या ईसी केबब है दे ऑल आर फ्री इलेक्ट्रॉन, जो आपके एटम से टूट के आपके आउटर मोस्ट सेल से निकल के फ्री हो गया, वो कहां पे होगा, कंडक्शन बैंड में होगा। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो यहां पे एनर्जी स्टेट है बीच में आपका क्या है, अगर मैं कहूं ईसी की वैल्यू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ईवी की वैल्यू है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे जो एनर्जी लेवल्स हैं वहां पे एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर भी एनर्जी स्टेट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और आपने एक पढ़ा होगा एनसी और एनवी, एनसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट एट कंडक्शन बैंड एनर्जी ईसी, जो ईसी एनर्जी लेवल है, ईसी एक एनर्जी लेवल है, उस पर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होते हैं, कितने स्टेट्स अवेलेबल हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके स्टे कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एनसी। जब आप पढ़ते हो, जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन पढ़ेंगे, जहां से फर्मी लेवल आएगा, एनसी अपॉन एनडी वाले फार्मूले आपने रटे होंगे, तो वहां पे एनसी क्या होता है, एनसी होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अवेलेबल एट एनर्जी लेवल ईसी, एनसी होता है कंडक्शन, और ईवी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट अवेलेबल एट एनर्जी लेवल ईवी, जहां पे इलेक्ट्रॉन या होल क्या ईवी, एनवी रिप्रेजेंट करता है जहां होल रह सकते हैं, एनसी रिप्रेजेंट करता है जहां इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेट्स होती हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है और वहां पे रह सकता है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी गया और रह लेगा। तो ये क्या होते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, यहां पे कोई ऐसी स्टेट्स अवेलेबल ही नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन जाके रुक सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड
ईवी या इसके नीचे होगा या तो जंप करेगा तो कहां जाएगा, सीधे कंडक्शन बैंड ईसी पे जाएगा, है ना। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर अगर इलेक्ट्रॉन की देखें फ्री होने के लिए, यहां वो तो बाउंडेड है, वैलेंस बैंड में है, फ्री होने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, वही एनर्जी चाहिए, कितना, इसी को कहते हैं एनर्जी गैप, ईजी ईसी माइनस ईवी। इतनी एनर्जी अगर दे दोगे इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तो ये यहां से फ्री होकर कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री है, वो कंडक्ट कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो वो मूव कर सकता है, जब मूव करेगा तो रेट ऑफ फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के इज कॉल्ड एज करंट, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड भी कहते हैं, इसीलिए कि यहां का जो इलेक्ट्रॉन है फ्री है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के मूव करा सकते हो, पोटेंशियल लगा के मूव करा सकते हो, कंडक्शन करा सकते हो, करंट फ्लो करा सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में वो डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल, कितना कंडक्टिव होगा मटेरियल, अगर उसको इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएं तो उसमें करंट कितनी ज्यादा या कितनी कम फ्लो होगी, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसी पोटेंशियल पे ज्यादा करंट फ्लो होगी, वी बाई आर, वो ज्यादा कंडक्टिव होगा, रेजिस्टेंस कम तो कंडक्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंडक्टेंस कम, और ये दोनों चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कितने, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सेम इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने पर ज्यादा कैरियर मूव करेंगे, जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो ज्यादा हो सकता है, तो आपकी करंट ज्यादा फ्लो होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेम पोटेंशियल, है ना, करंट ज्यादा फ्लो होगी। तो कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन वो डिसाइड करते हैं कि मटेरियल कितना कंडक्टिव होगा, और उसी के बेस पे है सेमीकंडक्टर, मेटल, और क्या डिफाइन होते हैं आपके, तीसरा चीज है इंसुलेटर, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पे, है ना। अब ये मेरे को बताओ, अगर एनर्जी गैप ये ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री करना उतना टफ होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल के यहां ले जाना बहुत टफ होगा, और अगर यही एनर्जी गैप कम होगा तो इसको फ्री करना क्या होगा, उतना इजी होगा, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी। तो जब हम मेटल अभी आगे देखेंगे, मेटल में ईसी और ईवी क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल होता है, इसीलिए मेटल सबसे ज्यादा कंडक्टिव होते हैं। सेमीकंडक्टर में एक स्मॉल एनर्जी गैप होता है तो थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम होता है रिलेटिवली, किसके कंपेयर में, मेटल के, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, पूरा कंडक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा कंडक्टिव नहीं है, जस्ट लाइक मेटल। और इंसुलेटर में यही एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को फ्री ही नहीं कर पाओगे, जब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी या ऑलमोस्ट जीरो होगी, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। जब कंडक्टिविटी नहीं होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस लगा लो, करंट आपकी फ्लो हो ही नहीं सकती, फ्लो हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो मूव कर पाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे कोई एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहीं जा सकता है, बीच में नहीं। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू एनर्जी गैप इजी फॉर दिस पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है, तो इसके बराबर होगा। अब देखो ध्यान से एक चीज और, यहां पर वैलेंस बैंड से जो, अब जैसे आप कहते हो फोटॉन की मैं बम्बार्डमेंट करूं इसी एक पर्टिकुलर मटेरियल पे, लाइट थ्रो करूं जिसमें फोटॉन की एनर्जी अगर 0.75 से कम है, तो 0.75 से कम है तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां एक्साइट कर पाएगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो यहीं जा सकता है, बीच में जाने के लिए उसके पास जगह नहीं है, फॉरबिडन, कोई एनर्जी स्टेट ही नहीं है जहां बीच में जाके वो रुक पाएगा, तो फ्री होगा तो यहीं जाएगा, नहीं तो यहीं रहेगा। तो अगर 0.75 से कम है और यहां जाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 0.75 है, उससे अगर एनर्जी कम है, उससे एनर्जी कम है तो जो फोटॉन आप बम्बार्डमेंट करोगे वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देख लेगा कि मैं इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो ऐसे जो अब फोटॉन है तो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी वेवलेंथ होगी, क्योंकि एच न्यू से फ्रीक्वेंसी भी आएगी और वेवलेंथ, तो आप ऐसी लाइट या ऐसी वेव को क्या कहोगे, दैट इज ट्रांसपेरेंट, वो वेवलेंथ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी उस मटेरियल के लिए, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसको क्या कर देगा, पास, तो कोई चीज आई उसमें एब्जॉर्ब नहीं हुई तो आगे पास हो गए, तो उसी को क्या कहते हो, ट्रांसपेरेंट है, कोई चीज आई और एज इट इज निकल गई, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट। तो वो वेवलेंथ, वो फ्रीक्वेंसीज या वो वेवलेंथ जिनकी फोटॉन की एनर्जी 0.75 से कम होगी, सारे क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे इस मटेरियल के लिए, और जो वेवलेंथ ऐसी होगी जिसकी एनर्जी 0.75 से ज्यादा होगी फोटॉन की, वो एब्जॉर्ब होंगे, वो एब्जॉर्ब होंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां क्या करेगा, एक्साइट करेगा। तो सेमीकंडक्टर में जो ये एनर्जी गैप होता है मीडियम रेंज या स्मॉल होता है, इंसुलेटर में बहुत हाई होता है, और मेटल में
जीरो होता है ये ओवरलैप करते हैं। अभी देखेंगे तो हम सेमीकंडक्टर के लिए अगर पढ़ें एनर्जी गैप ई, इसकी बारे में बात करते हैं और थोड़ा बहुत मैं और डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो इसका 0 केल्विन पे और 300 केल्विन पे निकालते हैं और इसका कंडक्टिविटी से कैसे रिलेशन है, अभी मैं ये चीज लिखवा लूँ फिर उसको मैं रिलेट करता हूँ टेम्परेचर के साथ कैसे इसका वेरिएशन होता है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। 0 केल्विन पे इसकी वैल्यू 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम की 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो एनर्जी को हम इसी में रिप्रेजेंट करें 0.72। तो अगर ध्यान से देखो इन्हीं दोनों को, बाकी मटेरियल के लिए भी ये ट्रू होगा, टेम्परेचर बढ़ा 0 केल्विन 300 केल्विन बढ़ा, एनर्जी गैप क्या हो रहा है, घट रहा है, ये हमेशा होगा, एनर्जी गैप डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये चीज आप क्या कर लो याद रख लो, ठीक है, एनर्जी गैप डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एनर्जी गैप डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब अगर मैं एक मटेरियल के लिए बात कर लूं, थोड़ा सा यहां पे हिंट दे देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर किसी टेम्परेचर टी पे एनर्जी गैप पता करना है तो अगर उसका 0 केल्विन पे पता होना चाहिए -β0T। तो अगर ध्यान से देखो इजी नॉट तो हर मटेरियल के लिए फिक्स होगा 0 केल्विन पे उसका एनर्जी गैप, जैसे सिलिकॉन के लिए इतना इतना। बीटा नॉट क्या होता है यहां पे, ये मटेरियल कांस्टेंट है, ये जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, आपके सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी और इसकी यूनिट बता दो क्या होगा, कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनकी यूनिट आपस में सेम होनी चाहिए, इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बीटा नॉट इंटू टी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो बीटा नॉट की यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, केल्विन केल्विन ये टी केल्विन में आएगा, केल्विन केल्विन कैंसिल, तो बीटा नॉट की यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। बट ये मटेरियल कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, जस्ट लाइक क्या, जैसे कि आपका क्या होता है आपका वोल्टमैन कांस्टेंट, क्यू की वैल्यू आपकी, ये सारे कैसे हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बट दिस बीटा नॉट इज अ मटेरियल कांस्टेंट, फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल इट इज फिक्स, चाहे टेम्परेचर कुछ भी रखो 0 केल्विन 10 केल्विन 20 केल्विन, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी फॉर पर्टिकुलर मटेरियल, सिलिकॉन के लिए उसी तरह, जर्मेनियम के लिए भी इसकी वैल्यू अलग होगी सिलिकॉन से, लेकिन फॉर पर्टिकुलर जर्मेनियम किसी भी टेम्परेचर पे देखोगे इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो ये अब अगर ध्यान से देखो ये कांस्टेंट तो टी की पावर 1 के साथ ईजीटी वेरी कर रहा है कि नहीं, तो ये कैसे है वेरिएशन, टी के साथ ये घट रहा है क्योंकि टी बढ़ाओगे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, घटने वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो ये ईजी नॉट से और कम होता जाएगा घटेगा, लेकिन कैसे घटेगा टेम्परेचर के साथ, लीनियर वेरिएशन है ना, तो इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आप ये ध्यान रखोगे टेम्परेचर बढ़ाने पर ईजी क्या होता है एनर्जी गैप ईजी घटता है। अब मैं इसी सिलिकॉन की बात करता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कंडक्टिविटी का, आपने पढ़ा होगा जब एनर्जी गैप का डिस्कशन आ ही गया तो डिस्कस कर लेते हैं। जब जीरो, यहां पे बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 0 केल्विन, क्या है बहुत सारे, सारे फील्ड हैं, सारे सिलिकॉन के आउटर मोस्ट फील्ड हैं और ये क्या है 0 केल्विन पे क्या है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन 0 है क्योंकि 0 केल्विन पे थर्मल एनर्जी इज वेरी वेरी लो, इतनी लो है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां एक्साइट करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और हमें मतलब क्या है कंडक्टिविटी में फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के क्या करा पाए फ्लो करा पाए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इज ऑलमोस्ट 0 या 0 होता है, इसीलिए कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन और एनी सेमी कंडक्टर एट 0 केल्विन इज 0, क्योंकि सिग्मा क्या होता है क्यू इंटू एन इंटू म्यू एन, और साथ में क्या होता है अगर सेमीकंडक्टर लोगे तो Q इंटू पी इंटू म्यू पी, यहां होल का कंसंट्रेशन है, होल की मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड, और म्यू एन क्या है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है, तो कंडक्टिविटी कुछ नहीं होता Q इंटू कंसंट्रेशन इंटू मोबिलिटी, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 0, यहां पे ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ना तो यहां पे होल्स हैं, आप सेमीकंडक्टर आप पढ़ते हो तो सेमीकंडक्टर में ही होल का कॉन्सेप्ट होता है, होल इज नथिंग बट क्या होता है, होल क्या होता है, होल कैसे पैदा होता है, ये जब आगे पढ़ेंगे तो मैं दिखाऊंगा होल की मोबिलिटी कम क्यों होती है इलेक्ट्रॉन से, वो भी आपको समझ में आएगा, होल एक्चुअल में मूव कैसे करता है मैं वो आपको करके दिखाऊंगा, तब आपको एकदम चीजें विजुलाइज कर पाओगे, चीजों को रिलेट कर पाओगे। तो यहां ये सोचो 0 केल्विन पे कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं गया, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज 0, और होल हमेशा वैलेंस बैंड में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में मूव करता है, होल कहां पाया जाता है हमेशा वैलेंस बैंड में पाया जाता है, तो जैसे कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्ट करता है, वैसे वैलेंस बैंड में अगर होल होगा वो भी कंडक्ट करता है, होल पे जितना इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है
तो वो भी मूव करता है वैलेंस बैंड में, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में, और दोनों मिलके क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इन कंडक्टिविटी या करंट फ्लो। सिग्मा इनटू ई कर देते हो तो वही क्या हो जाता है, करंट डेंसिटी हो जाता है जे, और उसको ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिग्मा इनटू ई क्या होता है, करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसी में क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही करंट हो जाती है। तो सिग्मा की वैल्यू, कंडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टिविटी इज हाई मींस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ क्या, कंडक्टिविटी इज हाई मतलब रेजिस्टेंस इज वेरी लो या रेजिस्टिविटी इज वेरी लो, तो आप जब पोटेंशियल लगाओगे तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगी। तो कंडक्टिविटी ये सिग्निफाई करता है कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल हाउ कंडक्टिव योर डिवाइस इज, हाउ लार्ज करंट कैन बी फ्लो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सेम वोल्टेज, वो कंडक्टिविटी उसको सिग्निफाई करता है। तो जीरो केल्विन पे जो भी सेमी कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड एंड होल कंसेंट्रेशन इन वैलेंस बैंड इज जीरो, दैट्स वाई यहां पे पी और एन की वैल्यू जीरो करोगे तो कंडक्टिविटी इज जीरो। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लो रूम टेम्परेचर 300 केल्विन की बात करते हैं, जैसे आप 20-30 केल्विन जाते हो थर्मल एनर्जी सिस्टम में बढ़ जाती है टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी थर्मल एनर्जी। तो क्या होता है, अगर आप देखोगे ध्यान से होल कैसे पैदा होता है, मैं थोड़ा सा यहां समझा देता हूं आपको, आगे तो मैं और थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कस करूंगा ये सब चीजें। थोड़ा सा क्या होता है, इस यहां से इलेक्ट्रॉन को टूट के यहां जाने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, इस गैप एनर्जी गैप के बराबर। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते तो सिस्टम में थर्मल एनर्जी बढ़ती है, तो क्या होता है कुछ कोवेलेंट बॉन्ड अब टूट सकते हैं क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी बड़ी है, सारे नहीं टूटेंगे कुछ तो टूटेंगे क्योंकि थर्मल एनर्जी कहीं ज्यादा, वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं कि इतनी एनर्जी सबको मिल रही सब टूटने लगेंगे। तो सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स, और जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी बॉन्ड के टूटने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब अब ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उसी अवेलेबल बॉन्ड में से, तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी तो ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वो कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और यहां पे क्या होगा, एक ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्या है, ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसी को आप होल कहते हो, है ना, इसी को क्या कहते हो, होल कहते हो। होल इज नथिंग बट वैकेंसी इन ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड, जो वैकेंट पोजीशन हो गई ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड में, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है, मिसिंग है, उसी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, होल। तो ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, जबकि अगर आप जैसे आप पढ़ते हो एनए के आउटर मोस्ट सेल से आप क्या निकाल देते हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं जाता है एनए के एटम से चला जाता है, तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये आयन है, यहां पे होल नहीं जनरेट हुआ, यहां पे इस एनए पे एक प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है, होल क्या होता है, अलग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है सेमीकंडक्टर में, तो ये एजम्पशन है कि एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसी वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड में एक तो इंटैक्ट है इलेक्ट्रॉन और एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां मिसिंग है, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड में जो आपकी वैकेंसी क्रिएट हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो हमेशा होल और इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में इसीलिए कहते हो जनरेट होते हैं सेमीकंडक्टर में, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और उसके बराबर यहां एक क्या हो जाएगा, होल पैदा हो जाएगा ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड में। ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड में जो एक वैकेंसी क्रिएट हुई है, जो आपका वैकेंट पोस्ट है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, होल। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है एंड दैट रिप्रेजेंट्स एज होल, क्लासिकल चार्ज इसको कहते हैं होल। तो एक कॉन्सेप्ट है, एक ये क्या है, कॉन्सेप्ट है कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा और एक इसीलिए इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में। तो थोड़े बहुत कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो थोड़े बहुत यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और उनके करस्पॉन्डिंग, हर एक इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग यहां क्या आ जाएगा, एक होल। इसीलिए आप कहते हो इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, ये हमने प्योर सिलिकॉन ही लिया इंट्रिंजिक, तो उसमें एन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई, इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन बराबर होता है क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पैदा होंगे, तो ये हमेशा पेयर में पैदा होंगे तो इनके नंबर्स क्या होंगे, सेम। तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स आ गए, थोड़े बहुत होल्स, अब थोड़ी बहुत इसकी कंडक्टिविटी आने लगेगी क्यूएन म्यूएन और क्यूपी म्यूपी से, तो इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत आपको दिखेगी एट
टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन, और 300 पे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ होल का, दोनों मिलके ओवरऑल कंडक्टिविटी सिग्मा यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, सिग्मा क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, है ना। तो इसकी कंडक्टिविटी लेकिन स्मॉल होती है, क्योंकि इंट्रिंजिक सेमी कंडक्टर में जो कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का और होल का, दैट इज स्मॉल, दैट्स वाई इट्स कंडक्टिविटी इज नॉट वेरी हाई। इसीलिए प्योर सेमीकंडक्टर आप कहीं नहीं देखते हो यूज करने, क्योंकि वो कंडक्टिविटी होती तो है लेकिन इतनी स्मॉल कि हमारे प्रैक्टिकल यूज की बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं वहां पे डोपिंग इसीलिए की जाती है ताकि या तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा दो या होल का, ये तो एनए टाइप की डोपिंग या एनडी टाइप की। जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी क्यू बढ़ जाएगी, सिग्मा बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी सिग्मा बढ़ जाएगी तो सिग्मा इंटू करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी, करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी तो करंट बढ़ जाएगी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ सेम ई, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ सेम ई वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर के बारे में। तो कब भी कोवेलेंट, यहां पे अजम्पशन है कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते कोवेलेंट बॉन्ड के, एक इंटैक्ट रहता है, एक फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आ गया, और यहां पे ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, एंड दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट होल, होल हो गया, वहां पे कुछ है नहीं, वहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस होल को भर सकता है, और होल पे पॉजिटिव चार्ज है कितने के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो कोवेलेंट ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड में जो वैकेंसी क्रिएट हुई है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज होल। जबकि आप किसी अगर एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वो आयन बनेगा, वहां पे होल नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, दोनों चीजों को मिक्स ना करना, आयन अलग होता है। यहां के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो एक प्रोटॉन के बराबर ज्यादा चार्ज हो गया पॉजिटिव, दैट इज आयन। जैसे आपका जब डोनर डोपिंग एड करोगे तो क्या होता है, उसमें चार फॉस्फोरस, चार कोवेलेंट बॉन्ड लगाने लेते हैं और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पे होता है फास्फोरस का, जो किसी बॉन्डिंग में नहीं होता है, क्योंकि चार पांच आउटर मोस्ट में थे, चार ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन से ऑक्टेट पूरा करने के लिए, पांचवा यहां पे है, इंटैक्ट है। जब ये फ्री हो जाएगा, जब इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये कंडक्शन बैंड में चला जाए, जब ये फ्री हो जाएगा तो यहां पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग कोई होल नहीं पैदा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल से चला गया तो इसके एक प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये आयन होगा, पॉजिटिव आयन होगा, ना कि होल होगा। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटता है सेमीकंडक्टर में, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट, ये एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में यहां पे क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। तो होल और आयन में डिफरेंस समझना, होल को आप मूव करा सकते हो, होल आपके क्या अंडर द नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नॉर्मल पोटेंशियल, ये होल मूव करेगा और करंट में कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि आयन को आप कभी मूव ही नहीं करा सकते, ये मूव नहीं करेगा, है ना। इसका वेट कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एंड होल के वेट से बहुत ज्यादा होता है, तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव नहीं करता, ये अपनी जगह फिक्स होता है। और करंट कब फ्लो होती है, जब चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं ना, तो ध्यान रखना आयन और उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर में एक स्मॉल एनर्जी गैप होता है, जबकि मेटल की अगर बात करें, यहीं पे मेटल की बात कर लेते हैं, मेटल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो मेटल की बात कर लेते हैं, यहीं पे मेटल में क्या होता है, एट जीरो केल्विन इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस बैंड इसके नीचे है और इसके ऊपर कंडक्शन बैंड, ईसी और ईवी ओवरलैप करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, इसीलिए जो वैलेंस बैंड के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है सारे अवेलेबल हैं कहां पे, कंडक्शन बैंड में। जीरो केल्विन पे ये मैंने ग्राफ बनाया है, तो जीरो केल्विन पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन मेटल, इसीलिए जीरो केल्विन पे मेटल की कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, जबकि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज जीरो एट जीरो केल्विन, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या होल कंसंट्रेशन नहीं होता है, इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी जीरो। जबकि यहां पे मेटल में इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल एट इन इवन इट एट जीरो केल्विन सारे आउटर मोस्ट, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो ये ओवरलैपिंग बढ़ती जाती है ईसी, तो यहां से ऊपर ईसी है, यहां से नीचे ईवी है, तो ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैप कर गया कि नहीं, ये पोर्शन ओवरलैप्ड है, ये कंडक्शन बैंड में भी कॉमन है और वैलेंस बैंड में भी कॉमन है, ये ओवरलैपिंग बढ़ती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, और सारे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे जीरो केल्विन पे भी अवेलेबल थे, वो ईसी और ईवी जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी अवेलेबल होंगे। इसीलिए मेटल में क्या कहते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जो जीरो केल्विन पे ऑलरेडी सारे अवेलेबल हैं वो 300 पे भी होंगे, वो 150 पे भी होंगे, वो 100 पे, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इन मेटल, वो जीरो केल्विन पे जो होते हैं वही 50 पे भी होते हैं, वही 100 पे होते हैं, वही 300 पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप जब कहते हो कंडक्टिविटी की बात करते हो किसकी,
मेटल की, मेटल में केवल कौन सा कैरियर कंसंट्रेशन होता है, कौन सा चार्ज कैरियर जो फ्लो कर सकता है, वनली इलेक्ट्रॉन मेटल में, बाकी सब में सेमीकंडक्टर में ही केवल होल एग्जिस्ट करते हैं, बाकी जगह केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल का कॉन्सेप्ट केवल सेमीकंडक्टर में होता है करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन। तो क्यू एन इंटू म्यू एन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्यू तो कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ाने पे मोबिलिटी घटती है, इसीलिए आप कहते हो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि क्यू फिक्स है एन फिक्स है। अब ये घटेगा अगर टेम्परेचर के साथ तो सिग्मा भी घटेगा, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो ये याद रखो, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इन मेटल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवरलैपिंग बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, ये जैसे मैंने सपोज 200 केल्विन पे बना लिया, 300 पे बढ़ाओगे ये ओवरलैपिंग और बढ़ती जाएगी। तो ये होता है स्ट्रक्चर मेटल का। तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर इवन इफ एट 0 केल्विन, क्यों, क्योंकि 0 केल्विन पे भी उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है। जबकि सेमीकंडक्टर ऐसा नहीं होता है, उसको कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है, थर्मल एनर्जी, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके जाएं तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मिले कंडक्शन बैंड में, और वैलेंस बैंड में आपको क्या मिले, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हों उस करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो गया है कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में उसके करेस्पॉन्डिंग, क्योंकि जब यहाँ पे बैंड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन ही फ्री होता है और उसके बराबर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड में, दैट वैकेंसी इज नथिंग बट कॉल्ड एज होल, ठीक है। तो मेटल होता है। अब यहीं पे जब आप इंसुलेटर बनाओगे, क्या बनाओगे, इंसुलेटर, इंसुलेटर में जो यही एनर्जी गैप होता है इट इज वेरी वेरी हाई, जो आपका होता है सेमीकंडक्टर में दैट इज ऑर्डर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इन केस ऑफ इंसुलेटर दिस इज वेरी हाई, 5 इज वेरी वेरी हाई। तो इवन इफ एट रूम टेम्परेचर 0 केल्विन पे तो यहां से यहां कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, इवन इफ 300 केल्विन स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर की हम बार बार क्यों बात करते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी डिवाइस को ऑपरेट करोगे वो रूम टेम्परेचर पे ही करोगे ना, रूम टेम्परेचर ही तो होगा जिस पे डिवाइस को ऑपरेट करना शुरू करोगे, तो इसीलिए हम बार बार रूम टेम्परेचर की बात करते हैं ना। तो यहाँ पे एनर्जी गैप इज सो लार्ज, इवन इफ एट रूम टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन्स इज जंपिंग फ्रॉम दिस टू दिस, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ, एकाक दो फ्री होकर चले भी गए वर्स्ट केस में कोई, जहाँ पे एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं कि इवन होता है, कहीं पे हो सकता है थोड़ी बहुत ज्यादा एनर्जी हो तो इलेक्ट्रॉन एकाक फ्री भी हो जाएंगे, दैट प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन या ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्री होंगे, तो उसका कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट 0 फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, तो जो कंडक्टिविटी होगी इज 0, इसीलिए इंसुलेटर को आप करंट फ्लो ही नहीं करा सकते, जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कितना भी पोटेंशियल लगाते जाओ उसका रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, क्योंकि कंडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट 0, तो करंट फ्लो इज वी अपॉन आर इज 0, क्योंकि आर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, तो एनर्जी गैप से रिलेट करो, एनर्जी गैप इज स्मॉल सेमी कंडक्टर, एनर्जी गैप इज हाई इंसुलेटर, एंड एनर्जी गैप इज ऑलमोस्ट 0, दैट इज मेटल। तो इस लेक्चर में आपने 2 चीजें सीखी, आपने थर्मल वोल्टेज VT के बारे में उसको कैसे रिलेट करना है, और एनर्जी गैप इजी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, ईसी इज नथिंग बट एनर्जी लेवल, ईवी क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, कि वहां कोई ऐसा एनर्जी स्टेट नहीं है इन एनर्जी लेवल्स के बीच में, ऐसा एनर्जी स्टेट नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके स्टे कर पाए, इसीलिए उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो ईवी में होगा, ईवी या ईवी के नीचे, या तो ईसी या ईसी के ऊपर होगा, इसके बीच में कहीं नहीं जा सकता कि और बीच की एनर्जी दे दो। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, वेवलेंथ, वो मैंने समझाया, तो चीजों को रिलेट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मोबिलिटी का वेरिएशन कैसे होता है टेम्परेचर के साथ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सैचुरेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वो सिखाऊंगा, वो चीजें, ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो जब मैं बाकी चीजें पढ़ाऊंगा तो उस चीजों को रिलेट कर दूंगा। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, चीजों को रिलेट करने की कोशिश करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू वेरी मच।